मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं आपके साथ ये बिजनेस नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे इस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और सामने वाले ऑब्जेक्शन को आप अच्छे से फेस नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो के बाद आप इस तरह के ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। मैं इस वीडियो में ऐसे 3 पॉइंट बताने वाली हूँ जिससे आप अच्छे से समझ के और अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको इस तरह के ऑब्जेक्शन की प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और एक न्यू वीडियो के साथ। आपको इस वीडियो में डिटेल्स नॉलेज मिलने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना। और मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। चलो फिर ज़्यादा लेट ना किए हुए हम डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। आपकी लीड कोई भी हो, वो स्टडी करता हो या जॉब करता हो, उसे पहली पॉइंट ये बोलना है कि जी मैं आपकी बात से पूरा एग्री करती हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, आपका बिजी शेड्यूल रहता होगा क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो। ये बात आपकी लीड्स को बोल देनी चाहिए। ये बोलने से क्या होता है कि वो लीड्स को कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील होने लगता है। जो भी लीड्स आपके पास आए उससे पहले कंफर्टेबल फील कराना जरूरी रहता है। सेकंड पॉइंट जो आपको बोलना है, जी बिल्कुल, जैसे आपके पास भी टाइम नहीं है, ठीक वैसे ही मेरे पास टाइम नहीं था जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाली थी, क्योंकि तब भी मैं स्टडी कर रही थी और मेरी भी बिजी शेड्यूल रहता था और मैं इसलिए मेरी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। पर मेरी जो अपलाइन है, मैं इस बात को उन्हें बताई थी, तो आपको पता है वो क्या मुझे बोले थे? क्या मैं आपको बताऊँ? तो आप सेकेंड पॉइंट में क्या बोले कि मेरी अपलाइन ने मुझे क्या सजेस्ट किए थे, क्या मैं आपको बताऊं? आपको उनसे परमिशन लेनी है क्योंकि आपको भी पता है आजकल लोगों को ज़्यादा बातें सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो हमें पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो इंटरेस्टेड रहे तो वो हाँ बोलेंगे तो फिर हमें उन्हें अच्छे से सारी पॉइंट्स को समझाना है, पहले हमें उन्हें उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट जो है आपको बोलना है वो है कि स्टोरी टेलिंग, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टोरी से ही कनेक्ट कर पाते हैं और आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टोरी बनना रहता है, चाहे वो जॉब करते हैं चाहे वो स्टडी करते हैं, आपको इस तरह की स्टोरी बनना रहता है जिससे वो अपने लाइफ से रिलेट कर पाए। और जब वो अपने लाइफ से रिलेट कर पाए तब आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है कि मेरी बिजनेस में आपको पैसे के साथ ही साथ फ्रीडम भी मिलता है और ये वर्क टू होम है और इसलिए आपको कहीं आना और कहीं जाना नहीं पड़ता है और ये भी टाइम फ्री है, आप अपनी फ्री टाइम के हिसाब से आप इस काम को कर सकते हो। तो आप इस 3 पॉइंट को अच्छे से समझ के अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे तो आप इस तरह के ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। और आपको मेरे साथ बिजनेस करना हो या फॉरएवर के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है। और आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, आपकी कमेंट मुझे मोटिवेट करती है आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आने के लिए। तो फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।